माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 31। टॉपिक इज परफेक्ट फील्ड्स। हमने दो रिजल्ट पढ़े हैं। पहला रिजल्ट है कि एवरी पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो इज सेपरेबल, यानी कोई भी पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो सेपरेबल होगी। इसका मतलब यदि कोई पॉलिनोमियल इनसेपरेबल है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट होनी चाहिए, करेक्ट। तो हम पहला ये लिख रहे हैं, बाई गिविंग एन एग्जाम्पल टू शो दैट एन एलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एन इनफाइनाइट फील्ड ऑफ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, मे बी इनसेपरेबल। फिर ध्यान सुनिए, एक एलजेब्रिक एक्सटेंशन होनी चाहिए, इनफाइनाइट फील्ड की होनी चाहिए, फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए और इनसेपरेबल होनी चाहिए। ऐसा एग्जांपल देना है। यहां पर आप फील्ड लेते हैं Z2 एक फील्ड थी, उसके अंदर T एलिमेंट मिला दिया गया जो इसको इसको एक ऐसा एलिमेंट जैसे पाई ले लें, पाई इसको इनफाइनाइट बनाएगा। वेयर बच्चे सोचते हैं कि Z2 फाइनाइट है। एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूं, ये यदि हम ये मानते हैं ना, ये व्हाट इज दिस, ये एक्चुअली क्या है कि ए प्लस बी ये बनेगा। यहां पर ए और बी की वैल्यू आपके पास जेड टू है तो ये तो फाइनाइट बनेगी। यदि मैं ये ले लूं तो ये हमारी इनफाइनाइट बनेगी। तो इस प्रकार की फील्ड है कि ऐसा डाला गया है ताकि ये बन जाए इनफाइनाइट फील्ड। एफ एक इनफाइनाइट फील्ड है एंड करेक्टरिस्टिक इसकी दो है। ये दो चीजें हमें ली, यहां पर एक पॉलिनोमियल ले ली हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। इसके एलिमेंट कैसे होंगे, या जिनके कोफिशियंट तो जेड टू में होंगे और पॉलिनोमियल इन टी होंगी। अब ये हमने ले लिया एक पॉलिनोमियल, मान लेते हैं कि इसका रूट अल्फा है, अल्फा बी द रूट, अल्फा इसका रूट है, ठीक है, अल्फा रूट है। हमें तो यह प्रूव करना है कि अल्फा इसका रिपीटेड रूट है। अल्फा इसका क्या है, रिपीटेड रूट, ठीक है। यदि रिपीटेड रूट अल्फा होगा तो एफ डैश एक्स क्या आएगा जी हमारा, ये जीरो आएगा। ये आइडेंटिटिकली जीरो बन गया। आइडेंटिटिकली जीरो होने का मतलब है इसका रिपीटेड रूट अल्फा होगा। यदि रिपीटेड रूट अल्फा होगा तो ये पॉलिनोमियल कैसी होगी जी, इनसेपरेबल पॉलिनोमियल होगी। अब डेफिनेशन, ए फील्ड एफ इज सेड टू बी परफेक्ट If each of its extension, कि उसकी प्रत्येक extension separable हो, उसकी प्रत्येक extension क्या हो, separable हो। theorem number एक, every field of characteristic zero is perfect,
कोई भी फील्ड जिसकी करेक्टरिस्टिक जीरो है वो परफेक्ट होगी। इसका मतलब क्या है, एफ एक फील्ड है जिसकी करेक्टरिस्टिक जीरो है और के इसकी कोई एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कैसी, एलजेब्रिक एक्सटेंशन। तो हमें प्रूव करना है कि एफ परफेक्ट कब होगा, कि ये कोई भी एलजेब्रिक एक्सटेंशन लेते हो वो सेपरेबल हो, यानी कि हम ये प्रूव कर दें के इज सेपरेबल। क्या प्रूव करना है, के इज सेपरेबल। तो के को सेपरेबल प्रूव करना है, इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ के इज सेपरेबल। के को सेपरेबल प्रूव करना है, इसका मतलब क्या प्रूव करना है, एवरी एलिमेंट ऑफ, वी हैव टू शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ के इज सेपरेबल। के के प्रत्येक एलिमेंट को सेपरेबल कहना है, ठीक है। अल्फा एक आर्बिटेरी एलिमेंट ले लिया आपने, और एफ एक्स इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल बन गई, मिनिमल पॉलिनोमियल ये बन गई भाई। जहां पर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा और ए आई बिलोंग्स टू फील्ड होगी। आपने ये थ्योरम पहले भी प्रूव करी है कि ये पॉलिनोमियल कभी भी इनसेपरेबल नहीं हो सकती, उसी तरह इसको दोबारा लिखेंगे। इनसेपरेबल होने के लिए इसका डेरिवेटिव आइडेंटिकल जीरो होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव करो, ए वन टू ए टू एक्स एन ए एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि आइडेंटिकली जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ए वन शुड बी जीरो, टू ए टू शुड बी जीरो, एन ए एन इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज आर ए आर इक्वल टू जीरो फॉर आर की वैल्यू वन से एन तक। जबकि हमें यह दे रखा है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ एफ जीरो है, ये चीज जीरो कब होगी, आइदर ए आर इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। आर तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ए आर ई क्या होगा, जीरो। द ओनली पॉसिबिलिटी दैट ए वन इक्वल टू जीरो, ए टू इक्वल टू जीरो, ए एन इक्वल टू जीरो। ए नोट जीरो नहीं आया, इसका मतलब एफ एक्स क्या बनेगी आपकी, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बनेगी। इसका मतलब इस पोलिनोमियल के पास मल्टीपल रूट्स हैं, विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल के पास तो कोई रूट होता ही नहीं। दोबारा सुनिए, ये एक मिनिमल पोलिनोमियल है, ये इसका डेरिवेटिव होगा, करेक्ट। अब यदि इसके पास मल्टीपल रूट है तो ये आइडेंटिकली जीरो होना चाहिए, तो ये अलग से जीरो, ये अलग से जीरो, ये अलग से जीरो। इसका मतलब जनरल ऐसे लिख सकते हैं, या तो ये जीरो या ये जीरो। आर तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर की वैल्यू तो वन टू थ्री एन है, नेवर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए आर जीरो होगा फॉर ऑल आर, ए वन जीरो, ए टू जीरो, ए एन जीरो। तो इसका मतलब ये जो मिनिमम पोलिनोमियल है कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, और कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल का कोई रूट ही नहीं होता, तो मल्टीपल रूट की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए अल्फा इज सेपरेबल ओवर एफ, ओवर एफ, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, अल्फा जो है मैंने के का एलिमेंट लिया है, हाँ, और ये जो पोलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है इसके कोएफिशिएंट एफ में है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये तो था हमारा पहला पॉइंट जिससे हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा इज सेपरेबल ओवर एफ। अल्फा आपने क्या लिया है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ अल्फा, अल्फा ई बी इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ के, थस एवरी एलिमेंट ऑफ के इज सेपरेबल ओवर एफ। एवरी एलिमेंट ऑफ के सेपरेबल ओवर एफ हो गया, एवरी एलिमेंट इज सेपरेबल ओवर एफ हो गया, तो इसका मतलब के जो है वो सेपरेबल एक्सटेंशन हो गई एफ की। के सेपरेबल एक्सटेंशन हो गई, के को हमने कोई आर्बिट्रेरी एलजेब्रिक एक्सटेंशन लिया है, इसलिए एवरी एलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ इज सेपरेबल, हेंस एफ इज ए परफेक्ट फील्ड। थ्योरम नंबर टू,
पिछली जो थ्योरम थी वो करैक्टरिस्टिक जीरो के लिए थी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं करैक्टरिस्टिक फाइनाइट के लिए। ए फील्ड ऑफ करैक्टरिस्टिक पी नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ द फील्ड इज द pth पावर ऑफ सम मेंबर ऑफ द सेम इज परफेक्ट। कहने का मतलब है यदि कोई फील्ड लेते हो आप जिसकी करैक्टरिस्टिक पी है तो वो परफेक्ट कब होगी, यदि हम उस फील्ड का कोई मेंबर उठाते ईच एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड वो किसी और एलिमेंट की पीएथ पावर होगा, ईच एलिमेंट इज पीएथ पावर ऑफ सम अदर एलिमेंट। यानी कहने का मतलब यहां पर क्या है, एफ फील्ड है जिसकी करैक्टरिस्टिक पी है सच दैट हमें ये दे रखा है कि ए आई इज इक्वल टू कोई एलिमेंट है बी आई उसकी पावर पी के इक्वल है, ए आई बी आई की पावर पी के इक्वल है। यहां पर ए आई और बी आई फील्ड से हैं, ए आई और बी आई कहां से हैं, फील्ड से ही हैं, और ये पी एक फिक्स है। वी वांट टू शो दैट एफ इज परफेक्ट। परफेक्ट के लिए हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट ऑल एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ आर सेपरेबल, यानी कि जितनी भी एफ की एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होंगी वे सारी सेपरेबल होनी चाहिए। तो हमने कोई एक्सटेंशन की एल्जेब्रिक एक्सटेंशन एफ पी की मान ली, आर्बिट्रेरी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, हमें प्रूव करना है कि के इज सेपरेबल। के को सेपरेबल प्रूव करने के लिए के का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाना पड़ेगा, उसे सेपरेबल प्रूव करना पड़ेगा। तो अल्फा इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ के, ठीक है, तो इसको सेपरेबल प्रूव करना पड़ेगा। इसको सेपरेबल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल बनाओ, इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल एफ एक्स है और वो इरिड्यूसिबल भी होती है। ये अल्फा की मिनिमल पॉलिनोमियल एफ एक्स भी है और ये इरिड्यूसिबल भी होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो केस यहां पर है, करैक्टरिस्टिक एफ की फाइनाइट है, ठीक है। एक हमने थ्योरम पढ़ी थी, इसमें हम किसी भी पॉलिनोमियल को इनसेपरेबल जब कह सकते हैं जब एफ एक्स अपने आप को इस फॉर्म में लिखे। यदि ये पॉलिनोमियल सेपरेबल है तो अल्फा सेपरेबल है, अल्फा सेपरेबल है तो के सेपरेबल है, और के सेपरेबल एक्सटेंशन है तो एफ इज परफेक्ट फील्ड। तो मेन टारगेट ये है कि एफ एक्स को आपने सेपरेबल प्रूव करना है। ये ध्यान रखना, मैंने कहा कि अल्फा से मिनिमल पॉलिनोम, अल्फा बिलोंग्स टू के से मिनिमल पॉलिनोम बनी एफ एक्स, जिसको मैंने क्या कहा है, इरिड्यूसिबल। अब एफ एक्स हमने ये पॉलिनोमियल लिया, यदि मैं इसके अंदर x की पावर p रख दूं तो ये बन जाए। थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा है कि सारे इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, इस a नोट को क्या लिखोगे, b नोट की पावर p, अगले को क्या लिखोगे, b1 की पावर p, एन को बी एन की पावर पी, ये आ गया। इसका हमारे को क्या फायदा हो सकता है, ये हमारे को ये चीज बनाने में बेनिफिट करेगा। कैसे, मैं बताता हूं। यदि आपके पास ये दे रखा है बी नोट की पावर पी और B1 की पावर P,
इसको आपने कंप्लीट स्केल बनाना है ना, जो भी चीजें बाकी ऐड करनी पड़ेंगी वो पी के मल्टीपल टाइम ऐड करनी पड़ेंगी, और पी के जो मल्टीपल टाइम है ना उनकी वैल्यू यहां पर ये ऐड ऐसी करनी पड़ेगी, उन वैल्यू यहां जीरो है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, चाहे बी आई आपका बेसिक नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो ऐसी टर्म यहां ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि जैसे आप एक स्केयर बनाते हो ना ए प्लस बी का स्केयर, तो वो क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। यदि इस टर्म्स के अलावा जो बाकी टर्म होंगी दे आर मल्टीपल ऑफ टू, तो इस प्रकार इस टर्मों के अलावा इसमें जो और टर्म ऐड करनी पड़ेंगी दे आर मल्टीपल ऑफ पी, और पी वाली मल्टीपल की सारी जीरो है कैरेक्टरिस्टिक को पी कांड, तो इसका ऐड करने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार एफ एक्स की पावर पी क्या बन गई, कोई एक पॉलिनोमियल है जी जी एक्स, उसकी पावर पी है, वहां पर जी एक्स इंडिपेंडेंट में एक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल नहीं है क्योंकि इसके पी फैक्टर हो रहे हैं, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इरिड्यूसिबल, ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल नहीं है। ओके फिर सुनिए बात, ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल नहीं है, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इरिड्यूसिबल, इसका मतलब जस्ट नो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर एफ इज सेपरेबल, जो हम एफ एक्स को इरिड्यूसिबल दे रहे थे ना, देखो ये पॉलिनोमियल को हमने तो क्या कहा एफ एक्स, देखो मैंने कह दिया कि ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल ही नहीं है, तो क्योंकि हमने यहां बात क्या करनी है इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के पास मल्टीपल रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के पास मल्टीपल रूट नहीं होना चाहिए, जब आपके पास इरिड्यूसिबल ही पॉलिनोमियल ही नहीं है इट मींस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फील्ड इज परफेक्ट फील्ड, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है कि उसके अंदर जितनी भी पॉलिनोमियल है सारी सेपरेबल है, इन सेपरेबल प्रूव करने के लिए पहले पॉलिनोमियल को इरिड्यूसिबल लेना है और उसमें रिपीटेड रूट दिखाना है, हमने यहां प्रूव कर दिया कि इसके पास तो कोई ही इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल नहीं है, इसके बाद इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वेश्चन इज कवर्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन जो करेंगे उसकी स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं, एवरी फाइनाइट फील्ड इज परफेक्ट, हर फाइनाइट फील्ड क्या होती है परफेक्ट फील्ड होती है, और एफ एक फाइनाइट फील्ड है जिसकी करेक्टरिस्टिक पी है, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड ए ऑटोमॉर्फिज्म ऑन एफ, तो हम इसके ऊपर ऑलवेज एक ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हैं, दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास।